गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडंकार जी। आध्यात्मिक भजन चैनल पर आज का टॉपिक है पितृ पक्ष। प्यारी सत्संग जी, हम देखते हैं कि आजकल इस संसार में जो रीति रिवाज चलते हैं, जो प्रचलन चलता है, पितरों की पूजा, पितृ पक्ष में पितरों की पूजा होती है। गया लेकर जाते हैं बैंड बाजे के साथ में, यानी मृत्यु के बाद पितरों की पूजा करना है, यानी अपने नाते रिश्तेदार में अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उनको गया जी लेकर जाते हैं, बैंड बाजा के साथ में लेकर जाते हैं। तो ये सारी जो प्रथाएं आज प्रचलित हैं, तो हम जरा सोचें और विचारें कि यहाँ पर पितरों को तारने की बात की जाती है कि हम अगर गया लेकर जाएंगे तो हमारे जो पूर्वज हैं जो मर चुके हैं तो वो हमारे पितर जो हैं वो तर जाएंगे। पितृ पक्ष में श्राद्ध किया जाता है, खीर पूड़ी खिलाई जाती है, कौवों को भी खिलाया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि कौवे अगर खाएंगे तो हमारे पितरों को ये भोजन पहुंच जाएगा। तो एक बुद्धि विवेक से सोचना है कि कोई भी मनुष्य अगर वो जीवित है तो वो खीर पूड़ी का स्वाद ले सकता है। अब मरने के बाद अगर किसी कौवे को हमने खीर पूड़ी खिला दिया, भोजन करा दिया, तो क्या कौवे के खाने से हमारे पितर तक ये भोजन पहुंचेगा? ये सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है। ये तो इस प्रकार जो समाज में आज की जो मान्यताएं चल रही हैं, तो ये एक अज्ञानता का अभाव कि अगर हमें सेवाएं करना है तो जीते जी करना है। जीते जी अगर कोई है, हमने उनकी सेवा कर दी, तो वो सेवा लेखे लग जाती है। अमृत के बाद तो बंदे ने शरीर छोड़ दिया तो उनकी चिता जल गई, अब शरीर बचा ही कहाँ। अब उनके मरने के बाद हम आत्मा की बात करते हैं, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथों में आत्मा की बात की जाती है कि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा की अंश है। और आत्मा जलती है न, कटती है न, भीगती है न, सूखती। आत्मा तो खाती पीती नहीं है, खाता पीता है शरीर। जब तक कि आत्मा शरीर में है तब तक उसको भूख लगती है ना। मरने के बाद में जब इस आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसके बाद फिर आत्मा की तो भटकन होती है। अगर आत्मा को ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, आत्मा ने जीते जी सद्गुरु कृपा से परमात्मा को नहीं जाना, ब्रह्मानुभूति नहीं की, तो फिर आत्मा की भटकन है। आत्मा अलग अलग योनियों में जाती है। 84 लाख योनियों का हम जिक्र करते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं और आत्मा इन 84 लाख योनियों में सफर तय करती है। जब उसे इंसान का तन मिलता है, जब प्रभु कृपा करते हैं, राम की कृपा से उसे मानव तन मिलता है। रामचरित मानस में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जी परलोक समारा। कि बड़े ही भाग्य से ये मानव का तन मिलता है और मानव तन में ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी और किसी भी योनियों में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तब हम अगर पितृ पक्ष में बात करें कि ये शरीर, मानव शरीर छोड़ने के बाद में, मरने के बाद में अगर कोई तर जाएगा, उसे मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, तो ये एक कहाँ का लॉजिक है? ये हमें सोचना है, विचारना है। तो पितृ पक्ष मौत के बाद का कर्म कांड एक अंधविश्वास है। मुक्ति मिलती है तो जीते जी ही मिलती है। अगर ये लोक नहीं संवरा है तो परलोक कैसे संवरेगा? तो जो ज्ञानी होते हैं वो चेतन होते हैं, इस बात को समझते हैं, सोचते हैं। तो जो भी करना है जतन प्रयास जीते जी कर लेना है। तो मरने के बाद जो सारी क्रिया कर्मकांड होते हैं कि मौत के बाद का कर्मकांड एक अंधविश्वास है, पितृ पक्ष, तो एक इसमें कहाँ का लॉजिक है, कहाँ का एक सोचें विचारें, तो फिर कैसे कोई तरेगा? तो इस प्रकार ये जो समाज में जो ये प्रथाएँ चलती हैं, अंधविश्वास, ये जो कर्मकांड चलते हैं, तो इनसे हमने ऊपर आना है। हमें सद्गुरु के पास जाना है, सद्गुरु कृपा से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। और जब हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, हमारे सारे भ्रम भ्रांतियाँ समाप्त हो जाते हैं। हम कर्म कांड से कर्मयोग की तरफ जाते हैं, अंधविश्वास से विश्वास की तरफ जाते हैं। और ये बात समझ में आती है कि केवल एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है जो सब कुछ कर रहा है।
यही है निरंकार सर्वशक्तिमान। तो इसको बेस बनाकर जीवन को जीना है और जीते जी मुक्ति प्राप्त करना है। मरने के बाद हम कहीं गया लेकर जाएं, कहीं भी जाएं, कौवों को भोजन कराएं, हम हर साल पितृपक्ष मनाएं, पितरों की पूजा करें, पितरों को खिलाएं पिलाएं, कुछ भी करें, तो उससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। जब भी कल्याण होता है वो जीते जी होता है। अगर जीते जी मुक्ति मिल गई तो फिर ये आत्मा मुक्त है, और अगर जीते जी हम मुक्त नहीं हुए तो फिर 84 लाख जो बंधन है, 84 लाख योनियों के बंधन है, उसमें तो फिर हमने बंधना ही बंधना है। तो जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा होते हैं वो यही बात समझाते हैं कि ब्रह्म को जानो, इस राम को जान लो, इस रमे राम को जानो, कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। एक कण कण में है, रोम रोम में राम है, हर जगह राम है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ राम नहीं है। तो सदगुरु कृपा से इस राम को जानना है और इसको जानकर इसकी भक्ति करना है। तो जो इस निराकार को जान लेते हैं सदगुरु कृपा से, तो वो फिर जीते जी मुक्त हो जाते हैं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।